गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि हमने अपना टॉपिक कल स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव टॉरुलेशन, या जिसे बर्डिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। टॉरुलेशन इज बर्डिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एंड अदर फंजाइज। द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप एंड आउटग्रोथ ऑन वन साइड। इसमें क्या होता है कि बर्डिंग में एक आउटग्रोथ या एक प्रोट्यूबरेंस या एक उभार बॉडी पर बनता है, जिसे हम बर्ड कहते हैं, और धीरे धीरे उस बर्ड में न्यूक्लियस डिवाइड होकर शिफ्ट हो जाता है, और फिर वो बर्ड पेरेंट बॉडी से कंस्ट्रिक्ट होगी और अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है, और फिर वही बर्ड एक एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बिहेव करती है, दैट इज कॉल्ड बर्डिंग। नेक्स्ट टाइप स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल थिन वॉल प्रोपेग्यूल्स विच हैव ड्यूअल फंक्शन ऑफ डिस्पर्जल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, आपको पहले समझना है कि स्पोर्स होते क्या हैं। स्पोर्स जो हैं बहुत ही छोटे छोटे सिंगल सेल और थिन वॉल प्रोपेग्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, दो तरह का काम करते हैं, डिस्पर्सल का भी काम करते हैं और नए इंडिविजुअल बनाने का भी काम करते हैं। डिस्पर्सल का मतलब कि वो क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ उड़कर या पानी के साथ बहकर जाएंगे और वहाँ पर वो नया इंडिविजुअल बना देंगे। तो इस तरह से वो फैला भी रहे हैं अपनी स्पीशीज़ को और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन का काम भी कर रहे हैं। और स्पोरुलेशन जो है वो जनरली आपकी फंजाई और एल्गी में पाया जाता है। स्पोर जो हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड जूअर स्पोर्स, यानी कि ये स्पोर्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मोटाइल्स होते हैं और ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। ये आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। और कुछ आपके स्पोर जो हैं वो नॉन मोटाइल भी होते हैं, यानी कि जो मूव नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलियम में जो स्पोर्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड कोनिडिया। नेक्स्ट टाइप आती है आपकी फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, फ्रेगमियर मतलब टू ब्रेक, यानी कि टूटना। इसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो है वो टूटती है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, और वो हर एक पार्ट जो है वो फिर कैसे बिहेव करेगा, एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट इंटू टू और मोर पीसीज, ईच ऑफ विच बिहेव एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। और इसके एग्जाम्पल जो है आपके फ्रेगमेंटेशन के, इट अकर्स इन फंजाई, हाइड्रा, स्पॉन्जेस, एनिलीड्स एंड इकाइनोडर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन, री मतलब अगेन, जनरेट मतलब टू बी गेट, यानी कि दोबारा से प्रोड्यूस होना। रीजनरेशन जो है एक ऐसा मेथड है, जैसे आपने देखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में कोई बॉडी पार्ट टूटता है तो थोड़े टाइम बाद वो धीरे धीरे नया बॉडी पार्ट वहाँ पर बन जाता है। तो वो कैसे हुआ, वो रीजनरेशन हुई उसकी, इसलिए वो होता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज मेथड ऑफ रिपेयर ऑफ मिसिंग पार्ट। ये क्या है, मिसिंग पार्ट का दोबारा बनने का भी एक मेथड है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्पॉन्जिस, एकाइनोडर्म्स। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि ब्रोकन टेल इन लिजर्ड, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लिजर्ड में जैसे टेल टूटती है तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। ह्यूमन बींग्स में भी अगर लीवर डैमेज हो रहा है धीरे धीरे, तो कई बार क्या होता है कि उसके लीवर सेल जो है वो खुद ही रिपेयर करके लीवर को कंप्लीट कर देते हैं, बना देते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बर्डिंग इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने टॉरुलेशन किया था, वो थी बर्डिंग इन यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, ये है बर्डिंग इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर भी बॉडी में बर्ड वैसे ही बनती है, एक बॉडी पर आउटग्रोथ डेवलप होती है जो फिर धीरे धीरे पेरेंट बॉडी से अलग होगी और नया इंडिविजुअल बनाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बर्डिंग है वो टू टाइप की होती है, यानी कि दो तरह से बन सकती है। वो बॉडी के इंटरनल भी बन सकती है और बॉडी से बाहर भी बन सकती है, एक्सटर्नल पार्ट में भी बन सकती है। तो इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ स्पेशलाइज इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट और बर्ड ऑफ द इंडिविजुअल हैविंग वन और मोर टोटिपोटेंट सेल। अब टोटिपोटेंट सेल क्या होते हैं कि ऐसे सेल जिनमें एक ऐसी कैपेसिटी रहती है कि वो नया इंडिविजुअल बना दे। तो
ये ऑब्वियस है कि आपकी जो बर्ड है वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें टोटिपोटेंशियल है, तभी वो एक नया इंडिविजुअल बना पा रही है। तो ये बर्डिंग आपकी टू टाइप्स की होती है, एक्सोजीनियस या एक्सटर्नल बर्डिंग। इसमें क्या होगा कि जो आउटग्रोथ है या जो बर्ड है वो कहाँ पर बनेगी, डेवलप फ्रॉम द बॉडी सरफेस पर बनेगी, यानी कि बॉडी आउटसाइड ऑफ द बॉडी बनेगी, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सोजीनियस। और एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। हाइड्रा में आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रा पर एक बर्ड बन रही है, एक्सोजीनियस बर्ड बन रही है, और धीरे धीरे वो बर्ड डेवलप हो रही है, और फाइनली वो क्या होती है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गई, अलग हो गई है, और एक नया हाइड्रा वो बना रही है, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सोजीनियस बर्ड। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा एंडोजीनियस बर्ड या इंटरनल बर्डिंग भी से कहते हैं। ये ऐसी बर्ड होगी जो कहाँ पर बनेगी, इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट, ठीक है, इनसाइड बनेगी। और जो स्पॉन्जिस में एंडोजीनियस बर्ड बनती हैं उसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड गैम्यूल्स। दे आर इंटरनल बर्ड्स, इंटरनल बर्ड्स और स्पॉन्जिस आर कॉल्ड गैम्यूल्स। गैम्यूल्स की जो इंटरनल बर्ड्स है या एंडोजीनियस बर्ड है उसको हम गैम्यूल्स कहते हैं, स्पॉन्जिस की। इसमें आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, और अंदर ये आर्कियोसाइट्स होते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल।